दाल दाल कच्चा। चले मिमी चलो, कहाँ जा रही है? मौसा जी को आवाज लगा रही है। देखना देखना देखना, उन्हीं को तो अजी आ नहीं रहे, वो गेट पे खड़ी आ नहीं रहे। कहाँ चले गए मौसा जी? आ नहीं रहे। अरे बाप रे बाप, इतना जाती जाती वो लेट हो रहा है, उसकी वजह से सबकी वजह से लेट हो गया, वो निकल नहीं पाई अभी तक। हाँ शूज ले लो भाई, शू रैक में से भाई शूज रह गए। आगे चलो चलो, मैं तो रेडी हूँ, आप मुझे क्या देख रहे हो? मौसा जी को भी देख रही है। मौसा जी अभी और क्या क्या करने वाले हैं, सबके काम ही नहीं निपट रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा मिमी वर्ल्ड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ होंगे सेफ होंगे। अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ी चीज़ें के लिए मार्केट, तो मिमी सबका वेट कर रही है, सबको तैयार करते करते वो थक गई है और कोई तैयार होके नहीं दे रहा। मिमी हेलो बोल दो सबको। अच्छा चलो भाई, देर हो गई हमें, देर हो गई है, इस टाइम ज्यादा बात ना करें और तैयार हो गए तो जल्दी से निकले। चलो 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 जल्दी चलो। देखना देखना कितनी बेचैन हो रही है, कितनी बेचैन हो रही है। चलो भाई चलते क्यों नहीं हो, इसे पैसे वैसे से क्या करना है, पैसे थोड़ी, पैसे से कुछ मिलता थोड़ी है। दूध घर पे पी लिया इसने, बेचैन हो रही है, मतलब चलो जाने के लिए। वही तो मैं कह रही हूँ, इस टाइम ज्यादा बात ना करें और जल्दी से निकले, है ना मिमी? हाँ जल्दी से निकले। और वो कौन लेगा, स्टॉलर कौन लेगा? स्टॉलर बेटा अपना वो लेकर आओ, मिमी वो लेकर आओ बेटा, लेकर आओ लड्डू, जाओ अपनी प्रेम लेकर आओ। कह रहे अब तक तो ये दोनों तैयार हो रही है, मौसा जी को पेशेंस लेवल अब आए ज्यादा ही कम हो गया है, खत्म हो चुका है लेवल अब। अजी पीछे देखो कितनी देर लगा रहे, रेडी नहीं हो रही है लोग, पहले ये दोनों और होगी मौसा जी। मिमी मिमी आओ चलो बेटा, कम चलो। हाँ असल में हम दोनों को देख देख के था। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं मासी का और मौसा जी का, मिमी के, क्योंकि मासी अपना मास्क घर पे भूल गई हैं और मौसा जी अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं, तो मिमी यहाँ पे पेशेंस लेवल मिमी का डाउन होता जा रहा है, क्योंकि मिमी वेट कर करके थक गई है। मैंने मिमी तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, गाड़ी से दिखाती हूँ आपको, कल मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि पूरी सोसाइटी अच्छे से दिखा सकूँ। तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं और मिमी का पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो छोटी छोटी प्याई पे, नन्हे मुन्हे बच्चों पे है, क्योंकि मिमी ऐसा खेलना चाहती है, है ना मिमी? और बहुत अच्छी सोसाइटी है गाइस, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, थोड़ा चेंज मिल गया है, काफ़ी टाइम से घर पे रहती थी तो बोर हो गई थी, तो काफ़ी अच्छा चेंज मिल रहा है। और तनु अपना मास्क भूल गया तो इसलिए वो फ्लैट में गई है, और जीजू गाड़ी निकाल रहे थे तो शायद वो अपनी गाड़ी लेकर आ रहे होंगे इधर से। थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ जब तक वेट कर रही हूँ। ये देखिए तनु आ गई है मास्क लेके, पता नहीं मुझे कहाँ लेके जाने वाली है, लेकिन हाँ आसपास ही कोई मार्केट है तो वहाँ लेके जा रही है। कौन सी मार्केट जा रहे हैं हम लोग, कौन सी मार्केट जा रहे हैं? यहाँ पर ट्रेड फेयर जैसा लगा हुआ है ना। अच्छा कोई ट्रेड फेयर है यहाँ पे लगा हुआ है बोल रही है, तो वहाँ जा रहे हैं इस टाइम पे। चाइनीज की खुशबू देखो यहाँ तक आ रही है। तो यहाँ पे इनकी सोसाइटी के नीचे ना सब कुछ ही है, मतलब रेस्टोरेंट भी है एक छोटा सा और सलोन है, बहुत अच्छी सोसाइटी है। कल देखती हूँ एक बार आप लोगों को पूरी सोसाइटी दिखाऊंगी, और मैं तनु का फ्लैट भी दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं बहुत दिन से बोल तो रही हूँ बट बस मिमी की वजह से ना बना नहीं पा रही, पकड़िए मैं टाइम ही नहीं मिल रहा है इसलिए। कहाँ जी अजी
कहाँ गए वो? अच्छा अच्छा, दूध ले आए? दूध भी कहाँ? अच्छा ले आए थे दूध। तो मिमी का दूध लेने के लिए यहीं पे पास में हमें जाना पड़ता है, क्योंकि मिमी काउ मिल्क पीती है और यहाँ इनके घर के पास ही डेयरी भी है, तो वहीं से जिया जी ले आते हैं शाम को दूध। देखिए कितना अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है इनके सोसाइटी के बाहर डॉग्स के लिए। मिमी हू, मिमी वहाँ पे मिमी हू। इसको तो भाई मार्केट में घूमने जाना है, बस वेट कर रही है इस टाइम पे बस गाड़ी का। अटका हुआ है क्या? बांध रखा है क्या? ओ, इसको अच्छा लग रहा है, लेकिन हम लेट हो गए थोड़ा सा। अली बावली, अली बावली। मिमी कहाँ घूमी घूमी आई है? चलाने के लिए कह रही है। कह रही है चलाती क्यों नहीं है इसको? थोड़ा ऐसे हिला दे। क्लैपिंग करो। मिमी, मिमी। You can help me, I gotta let go. You say you love me, I need a break, but I'm burnt. Do you feel burnt? मिल गया तुमको? अरे बाप रे, अरे बाप, मुंह तो देख इसका। इसको भूख लग रही है क्या? अरे बाप रे, मम्मी खाना आ गया हमारा।
गाइस मैंने मिमी को अभी आने के बाद सुला दिया है क्योंकि वो बहुत टायर्ड हो चुकी थी। तो चलिए मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग क्या क्या शॉपिंग करके लाए हैं। और वहाँ मार्केट में जो है वो बहुत पहले मार्केट लगी हुई थी, तो मतलब 3 महीने से लगी हुई थी और ये मुझे बहुत टाइम से बुला रही थी बट मैं आ नहीं पा रही थी, इसलिए अब मार्केट ऑलमोस्ट वहाँ पे बहुत खाली हो गई थी। बट जो जो सामान मिला हमें बहुत अच्छा सामान मिल गया डिस्काउंट रेट पे, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ हम क्या क्या लेकर आए हैं। और बहुत अच्छे डिस्काउंट रेट पे मिल गया मुझे सामान क्योंकि वो पैकिंग कर रहे थे और वहाँ से मूव कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हम अभी एकदम 50% ऑफ में दे देंगे, तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंटेड रेट पे हमें सामान मिल गया। तो मैंने कुछ डेकोरेशन आइटम ले लिया जैसे कि मंदिर में रखने के लिए, मतलब किचन में रखने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी फटाफट से क्योंकि अभी मम्मी उठ जाएगी ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हेलो हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। खाली हमारे पास चाय नहीं है लेकिन इस टाइम पे। तो ये गणेश जी लिए हैं हमने और ये वो जो मेरे ड्राइंग रूम में 4 गणेश जी लगे ना उसके ऊपर लगाऊंगी, मुझे लग रहा है अच्छे लगेंगे वहाँ पे, तो वहाँ के लिए मैंने ये गणेश जी ले लिए हैं। और सेकंड मैंने ये फोटो फ्रेम लिया है, इसको शायद ऐसे भी रख सकते हैं है ना, कैसे अगर ऐसे रखें नहीं, हाँ ऐसे, पर ये ऐसे नहीं आता, ऐसे ही अच्छा लगेगा। तो ये मैंने मिमी की फ़ोटो लगाने के लिए फ़ोटो फ्रेम ले लिया और ये मार्बल की है और बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैंने इसलिए भी ले ली एक। और एक ये मैंने कैंडल होल्डर लिया है, ये मैं दिवाली के लिए लिया है वैसे बट बहुत अच्छा लगा। इसमें दूसरा पीस मांग रही थी ये, तो दो मांग रहे थे हम लोग, तो मैंने कहा चल एक दिवाली पे हम मैं यूज़ कर लूँगी, एक दिवाली पे तो यूज़ कर लेना। मैं बात की रहना चाहिए। और ये मैंने किचन के लिए लिया, मैं बता रही थी ना किचन के लिए मैंने आइटम लिया है, तो ये मैंने किचन के लिए लिया। कैसे कर रही है? तो ये मुझे लगता है कि किचन का जो बैक काउंटर है ना उसमें बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हाँ मैंने आपको रेट तो बताई नहीं, मैं आपको बताऊँ ये सारा पे अच्छा लगेगा, बट आप लोग SMS कमेंट करके बताइए कि इसमें हम और क्या क्या रख सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं और कहाँ रख सकते हैं। हाँ और मैंने आपको बताया नहीं सारी चीजें, ये चीजें जो है ना मुझे टोटल 1400 में मिली हैं, टोटल मुझे 1400 में मिली है। और ये एक ना बाल गोपाल रखने के लिए ये इसने ले लिया था, मुझे भी चाहिए था लेकिन उनके पास था नहीं, तो ये इसको बहुत अच्छा लगा तो इसने ले लिया था। आपको और... कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए मामा मिमी बाय। तो ये इसने ले लिया था और ये 200 का आसपास था, और इसी 200 लिखा हुआ है, इसमें 100 उन्होंने दे दिया था हमें, मैंने बताया ना जैसे कि वो लोग वाइंड अप कर रहे थे इसलिए उन्होंने 100 भी दे दिया था, तो हमें शॉपिंग करने में और ज़्यादा मज़ा आया, और हमें शॉपिंग करने में बड़ा मज़ा आया इस वजह से। हमने इसी के साथ सुंदर पोस्टर लिए हैं और ये पोस्टर इसमें पहले अपने फ्रेंड्स को फैमिलीज को सबके साथ हम शॉपिंग शेयर करें। तो और हमने ये भी लिया कॉस्टर और ये 150 का पड़ा हमें, और इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था क्योंकि शायद ये वुडन का था इस वजह से इन्होंने इसमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया। और ये इसने अपने घर के लिए लिया है, तो ये सारा सामान था। उसके बाद हम लोग एक और शॉप में गए थे, वहाँ मैंने शूट नहीं किया क्योंकि उन्होंने अलाउ नहीं किया मुझे शूट करना, और हमने बस वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लिया, जैसे कि हम लोगों ने ये डीओ लिया और ये डीओ नॉन अल्कोहलिक डीओ है, इंडिया का नहीं है, अल फजल अल नईम करके इसका नाम है और ये शायद और डीओ है और ये बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने लिया, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। और कुछ ग्रीन टी लिए क्योंकि हमारे जिया जी ग्रीन टी पीते हैं, इसलिए हमने उनके लिए ग्रीन टी ले लिया। और मैंने अपने लिए सौंफ लिए जो हम रेस्टोरेंट में खाने की बात करते हैं और जो हम सबकी फेवरेट होती है। और आज मैं आपको बताऊँ हम जिस रेस्टोरेंट में गए थे वहां से हमने हर बंदे ने अलग अलग टाइम पे अलग मतलब सौंफ मांगी उनसे, मतलब जो बंदा आ रहा था सर्व करने के लिए बिल, एक तो बिल करने आया, एक पानी में देने आया और एक लास्ट में मेरे ख्याल से जो प्लेट उठाने आया, हमने सबसे वहां पे सौंफ मांगी कि भैया सौंफ दे दीजिए, हमें अभी तक सौंफ नहीं मिली। और ऐसा आप सभी लोग करते हैं रेस्टोरेंट में जाके जब सौंफ का टाइम आता है, और अगर नहीं करते तो कर सकते हैं यार, बहुत मजा आता है लास्ट में ऐसे करने में। तो जैसे सब्जी के साथ धनिया फ्री, जैसे सब्जी के साथ धनिया मिर्ची फ्री होती है बिल्कुल, वैसे ही रेस्टोरेंट के और सौंफ। और लास्ट में तो मुझे बड़ा मजा आया जब जिया जी ने भी दो सौंफ अपने पॉकेट में रख लिए और एक मिमी ने हाँ और एक मिमी ने भी अपने पास रखा था, तो आज बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा। तो चलिए गाइज आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, एक नए व्लॉग के साथ मिलती हूँ।
और मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसमें तनु के घर जिसमें हम रह रहे हैं इस टाइम, मतलब जिसमें तनु इस टाइम पे रह रही है, और हमारे फ्रेंडशिप के बारे में कि हमारी फ्रेंडशिप कैसे हुई थी और ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड्स कब से है। वो जो मैं बता रही थी कि मैं जब यहाँ आई थी तो मैंने बताया था कि हमारी एक और फ्रेंड है स्वाति, तो उसका नाम स्वाति सिंह है। अगर वो आती है तो उससे ज़रूर मिलाऊंगी, बट अगर उसके प्रैक्टिकल सेंस लिए वो आ नहीं पा रही है तो इसलिए मैं आएगी तो ज़रूर मिलेगी, मिलवाऊंगी ही मिलवाऊंगी आप लोगों से। बट अगर नहीं आ पाती तो कोई नहीं, मैं निकल जाऊंगी क्योंकि मैं ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। मिमी की नानी बहुत मिस कर रही है मिमी को, और आप लोग भी मम्मा को बहुत मिस कर रहे होंगे मैं जानती हूँ, और अभी भी बहुत मिस कर रही है मिमी को, और अभी को हम और इन सब बहुत लोगों के मिस जाने के कर बाद मैं भी बहुत मिस करने वाली हूँ इन दोनों को। तो इस वजह से। और अभी वैसे मैं हूँ यहाँ पे 2-3 दिन तो यहाँ भी बट मेरा मूड तो हूँ अभी से ही ऑफ है। तो अभी मैं हूँ। वैसे मैं आई तो सिर्फ 2 दिन के लिए थी बस, मैं मिमी का बहुत सारा सामान, और विंटर है तो आप समझ ही सकते हो सामान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जैकेट्स वगैरह, लेकिन इतना यूज़ नहीं हुआ वो अलग बात है। तो ये अभी तो ये कह रही है कि तो मेरे कपड़े पहन के काम चला, नहीं तो जिया जी तो ये कह रहे हैं कि मैं शॉपिंग करा के लाता हूँ मैं बट जाऊं नहीं, बट जाओ मत। तो कोई नहीं, अभी आप लोगों को इसका मैं घर दिखाने वाली हूँ, इसकी सोसाइटी दिखाने वाली हूँ जो मैंने आज आपको नीचे दिखाया। अभी रात हो गई थी तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से दिखा नहीं पाई, इसकी सोसाइटी दिखाऊंगी कि हम लोग मतलब ये लोग कैसे मतलब कहाँ रहते हैं क्या है, एड्रेस नहीं बताऊंगी बट हाँ सोसाइटी दिखाऊंगी। बहुत अच्छी सोसाइटी में इन लोगों ने घर लिया एड्रेस है। बताएंगे जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, क्यों एड्रेस नहीं बताते हैं जैसे से? जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तब हम पार्टी करेंगे, पर एड्रेस बताएंगे। मैंने ये नहीं कहा हम आपको बताएंगे। तो गाइज चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नए व्लॉग के साथ, नई शुरुआत के साथ। हमारा व्लॉग ऐसे ही देखते रहिए, अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बाय, और गुड लाइक कर नाइट, दीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, गुड टाटा, टेक नाइट। केयर, गुड नाइट।